नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और आज मैं फिर एक नई कहानी स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ जो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मोरल स्टोरी है ये। एक गुरु थे, वे सबको गीता पढ़ा रहे थे और गीता पढ़ा कर उन्होंने जब अपना क्लास बंद किया और बंद करके जब जा रहे थे तो उनका एक शिष्य उनके पास आया और उसने कहा कि गुरुजी, आप जो ये पाठ गीता का पढ़ाते हैं वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आप ही आगे और पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी शिष्य जब आए और सबने सुना तो फिर वह शिष्य उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा कि गुरुजी, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है और इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे। तो गुरुजी ने उसे समझाने का प्रयत्न किया पर उस शिष्य को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तीसरे दिन जब फिर गुरुजी ने पढ़ाना स्टार्ट किया, गीता का पाठ चल रहा था, तब शिष्य खड़ा हो गया और गुरुजी ने फिर उसे कहा कि अच्छा जाओ, वो जो कोयले की टोकरी रखी हुई है उसमें तुम जल भर के ले आओ। जो शिष्य था वो काफ़ी झिझक गया, उसने कहा कि इस टोकरी में पानी कैसे आएगा, ये तो सारा बह जाएगा। लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, जाकर तुम कोशिश करो और इसमें पानी भर कर लाओ। शिष्य उठा और जाकर उस टोकरी में पानी भरने लगा पर वो जितना भी पानी भरते थे वो उसमें से निकल जा रहा था। ऐसे करते करते 10-15 बार जब उन्होंने किया, जब उस टोकरी में पानी नहीं आया तब इस फिर से गुरुजी के पास आकर बोले कि मैंने बहुत कोशिश की इसमें पानी भरने की लेकिन इसमें नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें पानी भरने का क्योंकि ये सब निकल जा रहा है। तब गुरुजी ने कहा कि हाँ ठीक है, इसमें पानी नहीं आया लेकिन एक चीज़ तुमने ध्यान नहीं दी, यह कोयले की टोकरी जिसमें तुम पानी भरने की कोशिश कर रहे थे इसमें कितने सारे कालिख लगी हुई थी और जिसकी वजह से ये टोकरी कितनी गंदी हो गई थी, लेकिन इसमें तुमने 15-16 बार जब पानी भरने की कोशिश की तो इसमें से वह जो कालिख थी वो अपने आप धुल के निकल गई। पानी तो इसमें नहीं भरा लेकिन वह कालिख जरूर धुल गई। इसी तरह अगर तुम रोज़ जो गीता का पाठ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको सुनोगे या सत्संग में जाकर उसे सुनोगे तो तुम्हारे अंदर की भी जो बुराइयाँ हैं वो सारी समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे करके तुम्हारे अंदर का जो व्यक्तित्व है वो निखर आएगा। इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए नहीं है, अगर आप सत्संग में जाते हैं या गीता का पाठ करते हैं तो उसके बीच आपके अंदर जाकर अंकुरित होंगे ही। इसलिए हमेशा अच्छी किताबों को हमेशा पढ़ना चाहिए और उससे आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है अपने आप निखर जाएगा। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू, मैं सुजाता मिश्रा।